ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। आज सबसे बड़ा सीक्रेट बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ट्रेडिंग के बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो रिटेल ट्रेडर्स कभी नहीं करते हैं वो। सो द सीक्रेट इज, जो मैंने अपने बिजनेस मेंटर या अपने बिजनेस कोच से सबसे बड़ी चीज सीखी है वो है रिव्यू। ट्रेडिंग की भाषा में इसे कहते हैं जर्नल। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको लेके जाता हूं और दिखाता हूं कि ये जर्नल क्या है, ये रिव्यू क्या है, सो दैट हम उसके ऊपर बात कर सके। चलो आओ मेरी स्क्रीन पे। ऑसम, सो दिस इज अ बेसिक एक्सेल शीट है जहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है एसआर नंबर, विच इज नथिंग बट अ सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये है स्क्रिप्ट ACC, दैट्स ऑल्सो बेसिक ट्रेड का डेट। बेसिकली आपको सारे ट्रेड जो भी आप करते हो ना वो यहां पर लिखना है ताकि आप उसको रिव्यू कर सको, और इसे जर्नल कहते हैं। एंड देन ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन से स्ट्रैटेजी से ट्रेड किया। द मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स डोंट इवन हैव अ स्ट्रैटेजी। तो यहां पे लिखेंगे क्या, टिप CNBC इकोनॉमिक्स टाइम, मुझे लगा टेक्निकल फंडा, लाइक देयर इज नो स्ट्रैटेजी, रैंडम ट्रेडिंग। सो यहां से पता चलेगा एंट्री, चलो ये तो कॉमन है। स्टॉप लॉस सेट, अगेन मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर डोंट इवन नो एट द टाइम ऑफ एंट्री के स्टॉप लॉस क्या है मेरा। बिग मिस्टेक एंड द बिग थिंग जो आपकी जिंदगी में एंड आपके ट्रेडिंग में चेंज हो जाएगा इसके साथ में। टारगेट, मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो लेने के बाद 6 महीना रह के जब स्टॉक ऊपर जाता है तब सोचते हैं अब निकालू के नहीं निकालू। अरे भाई एंट्री के टाइम पे पता होना चाहिए व्हाट इज योर ट्रेडिंग प्लान, व्हाट इज योर ट्रेडिंग बिजनेस। इसे कहते हैं ट्रेडिंग प्लान, इसे कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस, इसे कहते हैं जर्नलिंग। एंड जब आप ये सारी चीजें लिखते हो एट द टाइम ऑफ एंट्री, यू आर डूइंग अ बिजनेस एंड आप सट्टा नहीं कर रहे हो। फिर क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी खरीदनी है, एक रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो बनाऊंगा, उसमें से क्वांटिटी पता चलेगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। बट यहां पर आपको लिखना है कि क्वांटिटी कितना लेना है। एग्जिट प्राइस, आपने एग्जिट कितने पे किया वो आप यहां पे लिखोगे, एट वॉट प्राइस यू एग्जिटेड। पिरामिडिंग, पिरामिडिंग का मतलब होता है कि आपने फर्स्ट क्वांटिटी 1100 पे बाई किया, फिर 1200 पे बाई किया, फिर 1300 पे बाई किया, फिर 1400 पे बाई किया, 1500 पे ऑल एग्जिट, तो इसको पिरामिडिंग कहते हैं। तो 3 बार पिरामिडिंग किया, ठीक है। इसके बाद में आता है नेट प्रॉफिट, लाइक 300 रुपए, दैट्स बेसिक मैथमेटिक्स, 25% का प्रॉफिट बना, दैट्स ओके। देन कम्स इमोशन व्हेन यू एंटर द ट्रेड, एक्साइटेड। लॉट ऑफ पीपल आर ईदर एक्साइटेड और दे आर स्कैर्ड। जब ये लिखोगे और 15 दिन बाद बैठ करके संडे को रिव्यू करोगे, जब महीने बाद 30 तारीख को बैठ के रिव्यू करोगे, तो पता चलेगा कि हम कौन से इमोशंस के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, सो दैट आप उस पर काम कर सको। मोस्ट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स डोंट इवन नो द इमोशंस, तो वो उस पर काम कैसे करेंगे, ? दिस इज द बिजनेस, दिस इज अ हार्ड, लाइक वी आर हार्ड कोर ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। वी ट्रेड इन इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों। एंड उसके लिए वो जो बिजनेस सेटअप करके रखा है ना, उसके लिए ये सबसे बड़ा हमारा साथी है रिव्यू, कि हमको हर 15 दिन बाद हमारी गलतियां है जो हमारे टीचर्स या मेंटर्स चेक करते हैं। एंड देन ऐसे आज के टाइम पे काफी लोग हैं जो सीखते हैं हमसे, हम उनके चेक करते हैं। लाइक फॉर ऑन अ यूट्यूब तो आपको खुद से यही ये चीज करना पड़ेगा, बिकॉज लाइक हजारों लोगों का एक साथ में यूट्यूब पर चेक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट जो इनर सर्कल में लोग हैं, 50-80 लोग जो होते हैं, उनका हम चेक करते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। एक्साइटेड, जब प्रॉफिट मिला तो क्या हुआ, मजा आया, खुशी मिला तो यहाँ पे लिखा। स्टॉप लॉस हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे लिखा। लर्निंग फ्रॉम द ट्रेड क्या है, मिस्टेक फ्रॉम द ट्रेड क्या है, ये सब तो कोई लिखता ही नहीं है। हाउ फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन वॉज, एग्जीक्यूशन कितना फ्लॉलेस था आपका। एंड देन चार्ट, आप जिस भी रीजन से ट्रेड करते हो यहाँ पे आप चार्ट लिंक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ओपन हो गया। ये एक्सेल शीट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना इसको, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं बट तो भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर पाओ। चलो ठीक है, सुनो Why this is important? मुझे एक बात बताओ, आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। अगर आप जॉब करते हो तो आप किसी को रिपोर्टिंग करते हो, बराबर, और अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको कोई रिपोर्टिंग करता है, बराबर। ट्रेडिंग का रिपोर्टिंग कहाँ पे है, लाइक पीपल डोंट इवन नो व्हाट दे हैव ट्रेडेड, हाउ दे हैव ट्रेडेड। दैट्स व्हाई दिस जर्नल इज इंपॉर्टेंट।
थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर धंधा करना है ना, इन गुजराती वी से धंधा, दिस इज बिजनेस, अगर बिजनेस इज धंधा, अगर धंधा करना है ना तो ये करना पड़ता है, ये भरना पड़ता है, खुद से चेक करना पड़ता है अगर आपके पास कोई चेक करने वाला नहीं है तो. Until and unless you don't check this, how you will know what is your mistake? How you will know आपके कौन से ट्रेड चल रहे हैं? How you will know आपके कौन से ट्रेड फेल जा रहे हैं? अरे आप भले टिप से भी ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई चिंटू नाम का इंसान आपको टिप देता है, ठीक है, और आप उस पर ट्रेड कर रहे हो. जब पांच ट्रेड चिंटू ने दिया और वो पांच में से चार स्टॉप लॉस हुए, पता है कि वो चिंटू का फोन नहीं उठाने का. जब जर्नल भरोगे और पता है कि ये न्यूज देख के ट्रेड किया, दस ट्रेड आपने न्यूज देख के किया, दस में से आठ ट्रेड स्टॉप लॉस हुए जो आपको पेपर पे दिखेगा एक ग्लांस में, तब आपको पता है कि यार न्यूज देख के ट्रेड नहीं करने का. Until and unless you don't know yourself, your good things and your bad things, how you will improve? Like business कैसे होता है? Like if you are in a big business, like आपका खुद का business है या फिर आप कोई बड़े industry में job पे हो, काम पे हो, आपका कोई review करता है हर 15 दिन में या महीने में, बराबर? Salary hike कैसे होती है? Review पे होती है. अरे आपका trading का review कौन कर रहा है? एटलीस्ट कोई है नहीं, किसी को अगर रख नहीं सकते हो चेक करने को तो खुद से कर लो रिव्यू. अगर आपको चाहिए कि आपका कोई चेक करे तो फोन करो, डिस्क्रिप्शन में नंबर, बात करो उनसे किस तरीके से हम आपको हेल्प कर सकते हैं. बट देन डू इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली. मार्केट है, इट्स अ हार्ड कोर बिजनेस. इतना पैसा रिटेल ट्रेडर तोड़ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, और उसका रीजन है कि हम रिव्यू ही नहीं करते, आलस. नो कड़वे शब्द है अगर मैं बोल रहा हूं रियल टॉक विद सिद्धार्थ, तो लेट्स रियल टॉक विद सिद्धार्थ. दिस इज सिद्धार्थ जिसको रिजल्ट चाहिए. बहुत बार मैं जब टीम मीटिंग में होता हूं तब बोलता हूं रिजल्ट चाहिए. बहुत बार मैं जब टीम मीटिंग में होता हूं मैं बोलता हूं रिजल्ट चाहिए. लाइक रिजल्ट कैसे आएगा, ग्रोथ कैसे आएगा? बातें नहीं, बातों से कुछ नहीं होता है. और ये जब शीट भरोगे जो मैंने आपको आज दी है, जो मैं एक्सेल शीट दी है, उससे रिजल्ट्स आते हैं. जो मैं बोलता हूं ना पासबुक पे एंट्री, अगर लॉस भी होता है ना तो भी ये शीट काम आएगा, बिकॉज तब आप जानते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. डज दैट मेक सेंस, यस और नो? जब आप 50 ट्रेड भरोगे इसमें आपको पता है कि 51th ट्रेड आपको कैसे लेना है. बट अंटिल एंड अनलेस आप 50 शीट को दे, 50 ट्रेड को देख ही नहीं पाओगे, इंप्रूव कैसे करोगे? आई होप माई अग्रेशन डोंट हर्ट एनी वन, बिकॉज द रीजन आई एम गेटिंग like aggressive or like pumped because I know के इससे आपकी life change होने वाली है. I know के इससे इंडिया में फर्क पड़ने वाला है. I know क्या जो छोटा common man है, लाख, दो लाख, पांच लाख, दस लाख, पच्चीस लाख रुपए से trade कर रहा है, उसको फर्क पड़ने वाला है. And I'm pumped about that. जब WhatsApp पे लोग screenshot भेजते हैं ना passbook का photo निकाल के, उसके लिए I'm pumped. And इससे वो photo आएगा. आज जो हफ्ते में एक या दो नए लोगों का पासबुक का फोटो आ रहा है, शायद हर रोज आएगा, हर घंटे में आएगा. व्हाई नॉट? बिकॉज इसी से रिजल्ट आता है. आपको प्यास लगी है, ये पानी है, अब पियो. अब तक ढूंढ रहे थे कि कैसे बनेगा पैसा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा पैसा. सिस्टम तो आपको ऑलरेडी दे के रखी है. 44 ऑसम जर्नल. हाँ 44 करो या 34 करो, जर्नल बनाओ, 10 ट्रेड करो, पता चल जाएगा जर्नल से. डज दैट मेक सेंस? पीपल से पैसा नहीं बनता, क्या बात करते हो यार. एनीवेज आई एम हैप्पी एंड पम्प्ड टू शो यू एंड गिव यू दिस सीक्रेट. जब जर्नल फॉलो करोगे तब पैसा बनेगा. जब सिस्टम सारी चीजें जर्नल में लिखोगे तो रिव्यू करोगे तब जाके पैसा बनेगा. आई एम सुपर हैप्पी एंड पम्प्ड फॉर यू. इसको यार जिंदगी में अप्लाई करना यार. ये जो टाइम हम निकाल रहे हैं ये सारी चीजों के लिए, जस्ट अप्लाई इनटू योर ट्रेडिंग एंड ब्रिंग रिजल्ट. मेक एंट्रीज ऑन योर पासबुक, देन इट मेक सेंस.
I'll meet you in the next video. Till that time, be disciplined, because discipline is one of the most important thing to make money in stock market.